स्टूडियो हम बात करेंगे हैबिट नंबर टू के बारे में, जिसका मतलब बिगेन विद द एंड इन माइंड। और इसका मतलब क्या होता है, बिगेन विद द एंड इन माइंड, लेकिन नोइंग व्हाट इज वेरी वैल्यूएबल टू यू, मतलब तुम्हारे लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में जानो। जैसे तुम्हारी लाइफ है, तुमने डिसाइड किया है, तुम्हारा गोल है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो तुम्हारी वैल्यूएबल है, तो अपना देखो, पूरा दिन देखो, तुम अपना टाइम ये सब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है तुम्हारे बच्चे, या तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है तुम्हारा करियर, तो तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की, तुम्हें अपना टाइम उसमें देना चाहिए, उसमें कैसे तुम्हें मैनेज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हम जब जान लेते हैं वैल्यूएबल क्या चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा, तो हम उस अकॉर्डिंग जब भी डिसीज़न लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे डिसीज़न मेकिंग में, और ये हमारे जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स होते हैं उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर देता है, वो आने ही नहीं देता, काफ़ी सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं। अगर एक धार्मिक सन्यासी से पूछेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायर क्या होगा, उसके लिए होगा उसका पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी। अगर हम पेरेंट्स से पूछें, अगर एक माँ बाप से पूछें उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, तो उनके बच्चे उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। अगर एक स्टूडेंट से पूछे तो वो कहेगा, स्टूडेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रायोरिटी होती है, उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि वो स्टडी उसकी प्रायोरिटी हो, कुछ भी हो सकती है वो चीज़। अगर हम स्टूडेंट के बारे में बात करें तो हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अपना टाइम हम कहाँ लगा रहे हैं, हम कोई भी चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ देख के डिसाइड करनी चाहिए। अगर हम एक बच्चे की बात करें, उसने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया है अपना, फिर दूसरे दिन स्कूल जाता है, तो उसका फर्स्ट पीरियड फ्री होता है, तो वो क्या करेगा उस टाइम, अपना जो टाइम है वो अपना करने में लगाएगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो होमवर्क कर ले 5 क्वेश्चन जो उसके सर ने या टीचर ने दिए हैं, या तो वो अपना उस पीरियड का यूज़ किसी से बात कर ले। तो वो सेट करता है उसकी प्रायोरिटी क्या है, जब हमें पता चल जाता है हमें प्रायोरिटी क्या है, तो अपना टाइम एनर्जी अच्छी जगह यूज़ कर रहे होते हैं, और इससे काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आने वाली होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ता है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम पता करते हैं वो चीज़ क्या है, फिर इस चीज़ को हम फिज़िकल लेवल पे अप्लाई करते हैं। तो यही सेकंड हैबिट कहते हैं, बिगेन एंड इन माइंड।